ये देखें आज क्या हो रहा है, कितने बजे उठे हो? 8 o'clock. और ये देखें अपना खाना पीना रखा हुआ है, गेम खेल रहा है. मुझे लगी मजा थे हामी को ये आ रहा है. एक्चुअली वो मिशी जो है ना, वो थे हामी को खेलने नहीं देता, बहुत रोता है वो. फिर इस वजह से हमने थे हामी को ये कहा था कि आज सुबह जल्दी उठ जाना और उठ के गेम खेल. खुद गुड़िया ने डाला है ना दूध जो है, तो मैंने कहा ये ज्यादा क्यों नहीं डाला है, अभी थोड़ा नहीं है. तो जवाब आया वो असल में नया डब्बा खोलना था, तो फिर दूध खत्म हो रहा था इसलिए. और ये मेरा एज यूजुअल विदाउट मिल्क. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं. हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं. और आज है सैटरडे, तिहामी का लास्ट छुट्टी आज, और कल से तिहामी का स्कूल है. और तिहामी जो है वो अपने नेल्स ट्रिम कर रहा है, शरार बैठे चाय पी रहे हैं, और मिशी जो है वो ब्रेकफास्ट करके बैठा हुआ है टीवी देखने के लिए. तो आज अभी ये मैंने ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, पीनट बटर एंड चाय. हम लोग जो है फिर उसके बाद जाएंगे एक और घर देखना है, और वो घर भी बहुत अच्छा है. और आप लोगों को हमारी हाउस हंटिंग वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम आज घर देखने जा रहे हैं, आपको भी दिखाएंगे और देखते हैं उसके बाद बाकी दिन कैसा चलता है. हो गई हूँ रेडी, और जब मैं ये पहनती हूँ ना तो तब सारे मुझे कहते हैं जी आप तो बहुत स्मार्ट लग रही हैं. मेरे पास ज्यादातर वैसे जो कपड़े हैं ना वो बहुत खुले खुले होते हैं. ज्यादातर सब्सक्राइबर्स जो मुझे मिलती हैं ना, तो वो यही कहती है कि आप रियल लाइफ में तो इस तरह बिल्कुल भी वेट गेन हुआ हुआ नहीं लगता जैसे आप वीडियोज में लगती हैं. तो मेरी समझ से बाहर है कि मैं वीडियो में एक्स्ट्रा मोटी क्यों लगती हूँ. खैर, मोटी होना कोई एक बुरी बात नहीं है कि जो जिनका वेट ज्यादा है. मैं खुद ज्यादा वेट वाले लोगों में हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि वो कोई बुरी बात है. लेकिन हाँ, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए वाकई बुरी बात है कि वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो मैं हर वक्त स्ट्रगल में भी रहती हूँ, खाने पकाने से बाज भी नहीं आती. खाने भी हम तरह तरह के बनाते रहते हैं, तो कभी कंट्रोल करती रहती हूँ डाइट, कभी एक्सरसाइज, कभी कुछ. लेकिन जब खुशी तब होती है जब रियल लाइफ में कोई मुझे पहली दफा देखे ना, तो कहते हैं नहीं 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 वीडियो तो बिल्कुल टोटली ऑपोजिट लगती हैं आप. तो लेकिन रियल लाइफ में तो वैसी नहीं है, तब बड़ी तसल्ली होती है. मेरे पास जो ज्यादातर कपड़े हैं ना, उसमें से शोल्डर्स भी ऐसे फूले होते हैं, और बाकी भी सारे कपड़े मेरे ऐसे ही हैं. तो ये रीजन है कि मेरा वेट इतना ज्यादा लगता है. जी हम एंटर होते हैं, और एंटर होते ही ये व्यू है फ्रंट का, और यहाँ पे ये एक बाथरूम है, ये हाफ बाथ है, और फिर उसके बाद किचन में 15 कैबिनेट्स हैं. अच्छा है, डबल सिंक है और 3 ड्रॉर्स हैं. और मुझे डोर्स का जो है ना कलर बहुत अच्छा लगा है, ये ब्राउनिश सा कलर है. और ये है जी लाउंज, ये इसका बाहर का व्यू है सारा. आप चलते फिरते ट्रैफिक को देख सकते हैं उसे. और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो एक बेडरूम ये है, और ये देखेंगे कितनी अच्छी लाइट्स हैं यहाँ पे. और ये कबर्ड है, और सारी पार्किंग हुई है, वो बहुत अच्छा फ्लोरिंग मुझे बहुत पसंद आई है. और फिर उसके बाद जाते हैं, तो ये एक बाथरूम है, और दूसरा जो है ये अटैच बाथरूम है, ये मास्टर बेड है. पहले ये देख लेते हैं, ये एक बात में बेडरूम है, ये कबर्ड है, सारों में कबर्ड इंस्टॉल्ड है. और ये है बैल्कनी, मतलब दो लोग चेयर टेबल रख के बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, बट मेरी वाली से बेटर है. मतलब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि बैल्कनी का साइज़ क्या है. ये मैं खड़ी हूँ और ये बैल्कनी का साइज़ है, ठीक है. उसके बाद लास्ट में ये है अटैच बाथ के साथ, इसमें शावर कैबिन है जो कि अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा, और वो जो दूसरा बाथरूम है उसमें बाथ टब है, ठीक है. और ये साथ में रूम है, और ये कबर्ड है. मैं आपको वाइडर व्यू दिखाती हूँ, ये देखें, ये है जी रूम. इस टावर की एंट्रेंस बहुत खूबसूरत है, इसकी लॉबीज बहुत प्यारी हैं. इवन ये डोर का डिज़ाइन आप देखें, ये ब्राउन कलर का ब्लैक के साथ, और ये फ्लोरिंग देखें कितनी प्यारी है. इसका रेंट है 45,000. ये ब्रांड न्यू बिल्डिंग, तो जाहिर सी बात है ब्रांड न्यू बिल्डिंग हो और वो इतनी अच्छी हो और बहुत ही खूबसूरत है, तो बहरहाल 45,000 इसका रेंट है. और 3-bedroom अपार्टमेंट है ये, इसमें स्टोर नहीं है, और किचन उतना ही है जितना मेरा अभी करंटली 2-bedroom वाले का है. और ये लॉबी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें टोटल 10 लिफ्ट्स लगी हुई हैं इसमें. किसी होटल से जो है ना ये कम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमें इससे बड़ा घर नज़र आ गया. 3-bedroom में हमें जो है वो साथ में एक्स्ट्रा स्टोर भी मिल गया, लिफ्ट में आपको मेजर भी मिल जाता है. तो चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं. बहुत से लोग कह रहे थे कि आप जो घर देख रहे हैं, जो अच्छे अच्छे घर हैं, प्लीज़ हमें बिल्डिंग और लोकेशन वगैरह बताएं, कि हम भी ढूंढ रहे हैं. शारजा टावर, न्यू अल्तावन रोड,
थ्री बेडरूम अपार्टमेंट 45,000 पर ईयर। इसमें जिम और पूल भी है, शेयर जिम शेयर पूल, बच्चों के लिए सेपरेट पूल है, फ्री पार्किंग है बेसमेंट में, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हम दूसरे घर में आ गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। फिक्स्चर्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं, हर चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात, ब्रांड न्यू बिल्डिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हुई है। मैं आपको इसकी लॉबी वगैरह दिखाऊंगी, अभी आपको जिम और स्विमिंग पूल भी दिखाते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, जैसे हमारी प्रायोरिटी स्टोर है और प्लस थ्री बेडरूम भी हैं, फिर हमें बैल्कनी भी ज़रा बड़ी चाहिए और किचन भी हमें बड़ा चाहिए। वो सारी चीज़ें एक पैकेज जो है वो उस बिल्डिंग में है जो मैंने आपको दिखाया था। अदरवाइज़ वो बिल्डिंग अभी तक ना देखी होती तो मेरा दिल आया हुआ था इस बिल्डिंग पे और इस घर पे कि इसी में से ले लें। तो चलें एक और घर देखते हैं। यहाँ पे कितनी खुली खुली हैं, यहाँ पे ये घर हैं सारे, एक एक दो दो घर ही अभी रेंट आउट हुए हैं, बाकी सारे फ्री हैं, खाली हैं। यू वॉन्ट पानी? ओके, वे गोइंग बैक। जी शारजा टावर है ये है, बहुत प्यारा है। ये देखें एंट्रेंस पे इन्होंने ये रखा हुआ है, कितने प्यारे हैं। एंड दिस इज शारजा टावर। ये देखें एंट्रेंस पे कितना प्यारा बनाया हुआ इन्होंने, ये देखो। और ये देखें जी, मतलब मज़ा आ जाता है इधर आके ना, ये देखें। और यहाँ से बाहर निकलते हैं तो भी सारी ग्रीनरी और सारे ये प्लांट्स हैं चारों तरफ। ये देखें जी, ये कितने प्यारे। इनकी पब्लिसिटी तो ऐसे कर रही हूँ कि जैसे ना इन्होंने मुझे पे किया हुआ है पब्लिसिटी करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये अपार्टमेंट, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी है, सिर्फ ये कमरे बहुत छोटे हैं और इसमें स्टोर नहीं है और किचन भी छोटा है। दिस इज़ दी ओनली रीज़न आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस हाउस, अदरवाइज ये मैंने लिया होता। ये है जी स्टोरी, देखते हैं कहीं और। पीछे ये है बिल्डिंग, नहीं इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, उसकी बैल्कनी इतनी फजूल है। वो अच्छी लगी है सामने, वो क्या है क्योंकि उसके नीचे शॉप्स बन रही हैं, तो उससे पता चल रहा है ये नई बिल्डिंग है। नई बिल्डिंग है, चलिए भी देखते हैं। अच्छा जल्दी जल्दी बता देती हूँ, अगर कोई लोग देख रहे हैं अपार्टमेंट्स वगैरह तो डू चेक आउट जाकिर टावर्स। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है लेकिन बहुत वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। टू बेडरूम अपार्टमेंट विद मेड्स रूम उसमें है जी, लाउंज बहुत खुला है, बैल्कनी भी बड़ी है और वो है 37K में। और जो थ्री बेडरूम अपार्टमेंट है वो बहुत ह्यूज है कि उसके तो सफाई करना मेंटेन करना ही अपने तौर पे तो बहुत मुश्किल है, तो लेकिन वो 53 का है। अच्छा, लेकिन मुझे उस बिल्डिंग में जाके ऐसे फील है जैसे उम्रे पे नहीं जाते होटल में। हाँ, उम्रे पे हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी बड़ी बड़ी खुली खुली बिल्डिंग्स हैं, तो ये भी इसी तरह ही थी। तो बहरहाल ये है जी। मगरिब भी खत्म हो गई है, हमें पूरा दिन लग गया घर देखते देखते। हमने इतने अपार्टमेंट्स देखे हैं कि आपकी सोच है, हमने आई थिंक 7 to 8 अपार्टमेंट्स देख लिए हैं। हम एक और देखने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने जाना है कारफोर। और बच्चे कह रहे हैं हमने खाना बाहर से ही खाना है, तो फिर इनको बाहर से खाना मिलेगा आज। क्या मैं पॉसिबल हो सकता है कि मैं इनकी पार्किंग देख सकूं दोनों की जो है? तो आप मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी पार्किंग बड़ी है किसकी छोटी है? अच्छा ठीक है, चले सही है, थैंक यू वेरी मच बाग। मैं इंशाल्लाह जो है आपसे रब्ता करता हूँ फौरन जो है जल्दी। गुड़िया के फेवरेट मॉल में आ गए हैं, सिटी सेंटर शारजा। मेरा फेवरेट है ये तो ऐसे जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर मॉल है ना आपके लिए। थोड़ा थोड़ा ज़ाहिया भी अच्छा लगना शुरू हो गया। अच्छा हाँ। तो ऐसा क्या ज़ाहिया वालों करना चाहिए कि आपको ज्यादा अच्छा लगे? सारी शॉप्स खोल दें, आंखें निकाल के आपको दिखा दें। थ्री वाली थ्री तो खत्म होने नहीं है हमसे जो है। हाँ, सिक्स ड्रिंक्स और इतना सैलेड और ये वो। Exactly. ये सिक्स वाली कितने की है?
15 की है और ये 2 वाली है 9.95 की है। तो फिर इतना फर्क है तो ये लेते हैं। चले फिर ये लेते हैं, है ना, लिटरली 20 का फर्क है। ठीक है ओके, एक तो मार्गरिटा लेते हैं, दूसरा है सुपर सुप्रीम, उसको मैं बोलूँगा पेपरोनी हटा दे बस। हाँ आज एक हवाइयन भी ले लें, तो हवाइयन तो लेते हैं। ये कभी नहीं ना ट्राई की, I have no idea. ये ट्राई कर लें। हाँ ये मशरूम टोमेटो हैलापेनियो पॉपर्स। हाँ भाई पहली दफा तो आपकी बात में कैसे छुटला सकता हूँ। सैलड्स में और 3 सॉस साथ में चिकन विंग, ये मार्गरिटा, सुपर सुप्रीम, स्पाइसी चिकन रैंच। Spread your joy to the ones who lost their hope. You can yourself tell Heather what's up. इसको लगा दे जो कहते हैं। आज का दिन बहुत एग्जॉस्टिंग रहा है, बहुत ज्यादा, और हमने कोई 8-10 घर देख लिए हैं। चार्जर टावर बहुत प्यारा लगा हमें, बहुत ही प्यारा, बस उसमें बस उसमें कमरे बड़े बड़े होते हैं उसमें। तो मैं कहूंगा जो मालिक ने बनवाया ना अपार्टमेंट, कैसे बड़ा बदनसीब है, उसने फ्लोर इतना खुला किया हुआ है। अच्छा मालिक के पास आप देखे जरा, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास काम कितना है, इतनी बड़ी उसने बिल्डिंग बनाई, क्या लश बिल्डिंग बनाई, लेकिन बदनसीब बदनसीबी चेक करें बना दिए, उसकी बदनसीबी है। उसी किस्म छुट्टी हुई है कि उसने लिफ्टों के सामने जो इतना बड़ा मैदान रखा है कि क्रिकेट की पिच बनाई हुई पूरी। नहीं नहीं उसकी क्या क्या फायदा मुझे बताएं, उसने सोच समझ के कुछ किया होगा। क्या सोच के? लेकिन पता क्या है, ताकि लेट के जा सके, ऐसे ऐसे हम जा सके। नहीं मैं आपको बताती हूँ, जो बिल्डिंग्स की वैसे ये है कि हॉल्स लॉबीज वगैरह खुली खुली होती है ना, वो अच्छी बहुत लगती है, और आते ही ये घर जो है वो रेंट पे चढ़ने शुरू हो गए थे। सिर्फ ये कि हमें जरा थोड़ा सा ज्यादा खुला देख रहे हैं, और हमने जो देख लिया है जो उसी रेंट में हमें इतना बड़ा 3-bedroom वाला और साथ स्टोर वो नजर आ गया। मैंने जो बात करी थी वो ये थी कि उतना बड़ा उसने सामने से लिफ्ट से जगह दी है। मेजोरिटी बिल्डिंग्स को अगर आप देखें जो पुरानी है, जिनके कमरे खुले खुले है ना, उन्होंने लॉबीज जो है थोड़ी छोटी रख दी है। हाँ वो बहुत तंग है एग्जैक्टली, लेकिन कमरों को जो है वो जगह एलोकेट हो गई है तो कमरे बड़े हो गए हैं। हाँ, यहाँ पर अगर कमरे छोटे करके आपने लॉबी इतनी बड़ी रखी है तो आप अपना काउच घर का बाहर तो नहीं लाके रखेंगे, वो बाहर वाला वेस्ट है सारा। या आप लिफ्ट से निकलते हो तहरते तहरते जाएंगे अपने अपार्टमेंट तक, ऐसे जो है नहीं। तो मुझे उसकी बदनसीबी है, बदकिस्मती है कि इतने सारे लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं उसके अपार्टमेंट्स को, इस बिल्डिंग को, इसी वजह से। नहीं 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 सिर्फ हमने रिजेक्ट किया है, लोग ऑलरेडी सामान ला के रख भी रहे थे, लोग तो खुशी खुशी मूव इन। हाँ मैंने एक से पूछा था, वो जो है हफ्ता पहले का सामान ला के रखा हुआ है, बोल रहे थे अभी मैं मूव इन हो जाऊंगा जो है ना। अच्छा वैसे लोग जो है ना, मुझे एक सब्सक्राइबर मिली थी कुछ दिन पहले, तो वो भी मुझे कह रही थी कि आपके ना शारजा के जो अपार्टमेंट्स आप दिखा रही हैं, तो वो देख के तो हमारा तो दिल करे कि हम दुबई से वापस, वो पहले शारजा में रहती थी, उन्होंने कहा हमारा दिल करता है हम वापस शारजा आ जाएंगे, इतने खुले अपार्टमेंट्स हैं। असल में हम लोग जो है ना, ये तो चले अभी इनको डेली ऑफिस का वर्क नहीं है तो जाना नहीं पड़ता, तो हम कभी दिन में निकल गए कभी रात में निकल गए। पहले जिस वक्त अपनी जॉब करते होते थे उस टाइम पे भी ये था कि शाम में ही आते थे और हम लोग निकल जाते थे, तब भी हम अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े ही घर ढूंढ के तो हम उसमें मूव इन करते थे। बात फिर वही है ना, हम ढूंढ लेते हैं किसी तरह। हाँ लेकिन मशीन बेगम हीरे की कदर तो जोहरी जानता है ना। थ्रॉबिंग पेन हो रही है, हीरे की कदर तो जोहरी जानता है ना। हाँ ये है इनका कि घर बहुत अच्छे ढूंढ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, है ये इनका, मुझे छोड़े मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी क्या बोला, इनकी डिमांड जितनी ज्यादा होती है कि उसको परख परख के समझ समझ के मुझे पता है कौन सा अपार्टमेंट किस तरह। तारीफ हुई है कि बेइज्जती हुई है? नहीं नहीं तारीफ हुई है, तारीफ हुई है, ये तो सदियों के एक्सपीरियंस के बाद जो है, मतलब मैंने क्या कहते हैं वो आग के दरिया को पार करके मैंने इस चीज को समझा है। आज हम दोनों का हशर हुआ है, बच्चे भी थके हुए हैं। बहरहाल लेकिन ये कि लास्ट में हमने डिसाइड क्या किया वो मैं आपको बता देती हूँ। यानी 1st December से हमें नए घर में होना चाहिए, पूरा नवंबर का महीना रहता है और December 1st से हम नए घर में होंगे। तो अब तिहामी के एग्जाम, इंशाल्लाह, तो तिहामी के एग्जाम जो है ना वो हो रहे हैं 16th November से लेके 25th November तक। तो यानी आधा महीना तो एग्जाम में चला जाएगा, उसके बाद हमारे पास मूव करने का कितना सा टाइम रहेगा, एक बात तो हमें पहले मूव करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हमने इतना वेट किया तो वो घर किसी और ने ले लिए तो फिर हम कहाँ से ऐसा घर ढूंढेंगे।
ये बहुत बड़ा मसला। एक हफ्ते में कभी शिफ्टिंग हो सकती है? नहीं, इसलिए एक बात की तरफ हम आते हैं। हाँ। इसलिए हम जो है 16th November के बजाय हम फर्स्ट को मूव कर रहे हैं। इंशाल्लाह, एक बात फर्स्ट ऑफ नवंबर से हम इंशाल्लाह मूव कर रहे हैं। एक और मैं आपको मजे की बात बताती हूँ कि जो अपार्टमेंट मैंने आपको दिखाया था वो काफी ऊंचे फ्लोर पे था, ठीक है, लेकिन हमें वो बहुत पसंद आया था, नेचुरल लाइट बहुत ज्यादा है और वो सारा अच्छा। लेकिन ये कि उधर ही कुछ नीचे फ्लोर करके हमने अपार्टमेंट देखा जो कि डिफरेंट सीरीज में है। बिल्डिंग में सीरीज होती है, एक इस कॉर्नर पे अपार्टमेंट्स हैं, एक इस कॉर्नर पे, तो मतलब व्यूज डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो डिफरेंट व्यू वाला अपार्टमेंट है और वो जरा बिल्डिंग के सेंटर में करके फ्लोर पे है वो अपार्टमेंट। और वो जब हमने देखा है तो गेस व्हाट, उसकी दोनों बेडरूम की विंडोज में से फुल सी व्यू नजर आता है और लगून नजर आता है उसमें, वही लगून जो मेरी हमेशा से विश है वो उसमें नजर आता है। और लेकिन सिर्फ यह कि वो घर, वो वाला अपार्टमेंट अभी मेंटेन नहीं हुआ हुआ, तो इस वजह से अभी हमने आपको वो दिखाया नहीं है। और परसों इंशाल्लाह हमारा प्लान है जाने का, तो हम दोनों अपार्टमेंट्स को एक दफा और देखेंगे और जो प्रॉपर्टी एजेंट है उसको साथ लेके जाएंगे ताकि उसे बताएं कि ये इश्यूज है इसमें, तो ये हमें मेंटेनेंस में ये कवर करके देने हैं। तो लेकिन मैं आपको विंडो से व्यू जरूर दिखा दूंगी। और उस दिन तो हम लोग गए ना, जब उसी बिल्डिंग में दोबारा घुस गए, आपको पता है मेरी आदत की जो घर पसंद आ जाए मैं 3-4 बार जाकर उसको देख के आती हूँ। तो सच्चे दिल से बताना कि जब से ये पसंद आया कितनी दफा हो चुका है? 3-4 दफा का छोड़ देना, कितनी दफा देखा है? 3-4 दफा देखा है, उससे ज्यादा देख ली है। कभी दिन में, कभी शाम में, कभी रात में, कभी लाइटें देखनी है, कभी दिन की रोशनी देखनी है, कभी शाम को सी देखनी, कभी शाम की ठंडक देखनी, कभी हवा कैसी लगती है, इस वक्त वो अपार्टमेंट कैसा होगा, इस वक्त अपार्टमेंट कैसा होगा, इस वक्त अपार्टमेंट ऐसा होगा, इस वक्त अपार्टमेंट ऐसा होगा। और इतनी दफा ये जा चुकी है, ये मुझे स्पॉइल करते हैं, तो मैं घर ठीक है ना, बीबी को ही पैम्पर करना है ना, और किसको करना है मुझे बताएं, स्पॉइल मैं आपको नहीं करूँगा, किसको करूँगा। और दूसरी चीज ये है कि वैसे वो विंडो से जो है ना, मुझे लगता है कि एक जिप लाइन सामने लगवा ही ले उधर जो है, ताकि वहीं डायरेक्ट लैंडिंग हो। हाँ जी, तो बहरहाल वो जो है ना, मैं आपको उसके सी व्यू दोनों साइड का, दोनों विंडोज का दिखाऊंगी, और बाकी जब वो घर मेंटेन हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हमारा इरादा बन रहा है कि हमने उस वाले अपार्टमेंट को लेना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज 23rd है, कल 24th है, कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, और वो जो प्रॉपर्टी एजेंट है उसने शिजाद से मिन्नत किया है कि प्लीज कल नहीं आप परसों आए क्योंकि कल मैच है। तो वो ये कि परसों जो है ना वो फिर शिजाद जाएंगे, बल्कि मैं भी साथ ही जाऊंगी, हम लोग अपार्टमेंट वगैरह देखें, बाकी आपने जो उसे डीलिंग करनी है उसके ऑफिस में, आप हमें विषय घर छोड़ रहे हैं, क्या करना है? नहीं, अपार्टमेंट लेकर जाऊंगा मैं, पार्किंग देख लूंगा गाड़ी की और ये अपार्टमेंट देख लेगी। हाँ, पार्किंग फिर मैं भी 2-3 दफा जाऊंगा जाके, इस वक्त पार्किंग ऐसी लगती है, अच्छा अब पार्किंग इस वक्त ऐसी लगती है, ये कसम से मेरा तो आज भी दिल चाह रहा था कि मैं उसको जाके देख लूं, लेकिन जब हम उस बिल्डिंग में फिर से आज घुस गए तो वो उस वक्त रात हो चुकी थी, तो फिर मैंने कोई फायदा नहीं है। उस वक्त तक घुस गए, लेकिन कितनी दूर से हम आए थे आप ये सोचे, मैं अलवादा की ट्रैफिक को क्रॉस करके सारा जो है मैं जा रहा था अजाहिया सिटी सेंटर जो है, अजाहिया से आधे रास्ते मोड़ के जो है फिर वापस आए अलवादा की क्रॉसिंग को, और फिर जो है हम उस बिल्डिंग तक पहुंचे थे। ये हुआ था जनाब साहब महाराज, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें पूल और जिम भी है। है ना, हमें ये चीज नहीं पता थी, हमें नहीं पता थी, और हम इसमें इतना वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं। हाँ, किसका दिल नहीं चाहता कि ये अमेनिटीज हों, लेकिन यह कि हम इसमें इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थे कि हमें यही पता है कि जिस बिल्डिंग में पूल और जिम होगा वो फिर रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला रहता है, तो हमारा बजट जितना हमने रखा था हमने उसके अंदर ही रहना है, हमने खाम खाम में जबरदस्ती बजट बढ़ा के तो अपने आप को प्रॉब्लम नहीं करनी। तो लेकिन यह कि हमें पूरा पैकेज मिल गया, इसमें जिम और पूल भी है। चले अल्लाह ताला हमारे नसीब में करे और हमें रहना नसीब करे और हमारे लिए मंजिल मुबारक हो इंशाल्लाह। तो एक बार रात को 2 बजे भी होके आए उधर से अपार्टमेंट से अब सिक्योरिटी गार्ड ने जो है ना पुलिस बुला ली। नहीं नहीं, उसकी उसकी की तो शिफ्ट रात में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, हम जितनी बार जाते हैं ना एक नया सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, 3 हमने देखे हैं ना अभी तक। हाँ, 3 देख लिए, उनमें से एक इन्होंने चूज किया हुआ कि किससे इन्होंने बात करनी है, तो फिर उसका पूछते रहते हैं, और फिर हम ये शुक्र करते हैं कि हाँ इसने हमें पहले नहीं देखा हुआ, तो हम प्रिटेंड करते हैं पहली दफा आए हैं, और बहुत दफा तो हमने पहली दफा प्रिटेंड करके जाके घर देखा है। ये तो इसी किस्मत है ना। हाँ जी, इतनी दफा हम लोग गए, लेकिन ये किस्मत मैंने कहा कि कहते हैं तो रात को हुआ था दोबारा से जो है इसका स्कूल ना होता, बाकी इसने यस बोल देना था। नहीं नहीं, मैंने नहीं इतना ले रहा था, इसलिए अब नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं, वो तो स्कूल है सुबह, वरना आज भी आपने डन कर लेना था मेरे साथ।
अब इंशाल्लाह लिटरली 7 दिन रह गए इंशाल्लाह, फिर हमने मूव कर जाना। और कल से मैं सामान सॉर्टिंग शुरू करूँ, अल्लाह खैरियत रखे, कल से नहीं परसों से इंशाल्लाह, परसों से इंशाल्लाह। हाँ, तो ये चीज़ है। तो चले इंशाल्लाह, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। और दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब बतें, अब तो न्यू घर शिफ्टिंग इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।